शाहजहांपुर शहर के वार्ड क्रमांक 10 टेंचिंग ग्राउंड लालबाई फुलवाई माता मंदिर रोड पर एक जिंदा गौ माता को आवारा कुत्तों ने घायल कर दिया। तड़पती रही लाचार असहाय गाय माता, पास में रहने वाले तेजू मालवीय व सचिन चौधरी ने बताया कि यहां पर गायों की हालत बहुत ही खराब है। घायल गाय की सूचना गौरक्षा टीम को दी गई, जिसको अभी गौरक्षा की टीम द्वारा गौशाला में भेजा गया है। गाय सुबह से तड़प रही थी। लोगों का कहना है कि गाय माता की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, ऐसी स्थिति रोजाना देखने को मिलती है, फिर भी कोई इन पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर श्री मोहन जी यादव गाय माता की सुरक्षा को लेकर नित नई योजनाएं बना रहे हैं, मगर निगम व जिम्मेदार अधिकारी उनकी योजनाओं को ठेंगा दिखा रहे हैं। गौ तस्कर दिनदहाड़े गौ तस्करी कर रहे हैं, आए दिन गौ माता को काटा जा रहा है, आए दिन रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, फिर भी जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। गाय को माता तो सभी मानते हैं, मगर जब भी उस माता को हमारी जरूरत पड़ती है तो हम यह बोलकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह हमारी गाय नहीं है। SB न्यूज के माध्यम से हमारा आप सभी से निवेदन है कि गाय किसी की भी हो, पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है उनके प्रति। गाय माता को पालने वाले भी गाय का ध्यान तब तक ही रखते हैं जब तक वह दूध देती है, उसके बाद आवारा छोड़ दिया जाता है, जिसका नतीजा यह होता है। शाहजहांपुर से SB न्यूज जिला संवाददाता ईश्वर सिंह बिलाला की खास रिपोर्ट। जय श्री राम। जय गो माता की। आज टेंशन ग्राउंड पर एक गाय के घायल होने की सूचना मिली थी, इस पर गौरक्षा सेना के सदस्य वहाँ पर पहुँचे। लोकेश दरिया जी और देखा तो गाय को कुत्तों द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें उसका एक कान कट चुका था और खंडोल पर गंभीर घाव था और एक पैर में भी घाव था, जिसको नगर पालिका के वाहन की मदद से यहाँ उपचार केंद्र तांजावुर लाया गया है, जहाँ गाय का उचित उपचार जारी है। अभी टाँके लगा रहे हैं। कितने टाँके लगे हैं इसमें? 14। इसमें अभी तक 14 टाँके लग चुके हैं और कान के यहाँ पे टाँके लगने की स्थिति नहीं है और पैर है, पैर में भी टाँके लगने की स्थिति नहीं है, पैर में भी काफ़ी गंभीर घाव है। वो अभी एक तांजावुर है वो उपचार केंद्र में, जहाँ तक हमारा उपचार करने की क्षमता है हम पूरा उपचार करवा रहे हैं और प्रयास करेंगे जितना हो सके बचाने का। जय श्री राम। जय श्री राम।